भारताचे मॅरेथॉन धावपटू ओपी जायशनं रिओमध्ये मध्ये खेळाडूंसोबत गेलेल्या ऍथलेटिक संघटनेच्या अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभाराचा पर्दाफाश केलाय बेचाळीस किलोमीटरचे मॅरेथॉन पूर्ण करताना जायशाला अधिकृत भारतीय बूथवर साधं पाणी देखील मिळालं नसल्याचं तिनं म्हटलंय जायशानं मॅरेथॉन पूर्ण केली आणि अंतिम रेषा पार केल्यावर ती कोसळली त्यानंतर दोन तास जायशा बेशुद्ध होती तिला रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात असा जायशाचा आरोप आहे इतर देशांनी प्रत्येक दोन किलोमीटरवर आपल्या खेळाडूंसाठी पाणी आणि रिकव्हरी ड्रिंक्सचे स्टॉल लावण्यात आलेले होते भारतानेही स्टॉल लावले होते पण त्या स्टॉलवर पाणी रिकव्हरी ड्रिंक्स खाण्याचे पदार्थ असं काहीही नव्हतं आणि विशेष म्हणजे स्टॉलवर एक भारतीय उपस्थित असणं गरजेचं असतं तेही तिथे उपस्थित नव्हते जाईच्या अंतिम रेषेजवळ कोसळल्यावर तिला तिच्या कोचच्या रिओच्या पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आणि त्यामुळे जाईशाच्या मनस्तापात आणखी वाढ झाल्याचा तिचा आरोप आहे दरम्यान जाईशाचे आरोप अथलेटिक फेडरेशननं फेटाळलेले उलट जाईशानं मुद्दाम पाणी घेण्यास नकार दिल्याचं फेडरेशननं म्हटलंय मुझे रियालिटी मुझे पता है मैं और कविदा राउत भागा है हमको पता है कितना किलोमीटर में पानी है और मैं प्रूफ भी कर सकता क्योंकि सबका पीछे क्या हरा रखा लगा हुआ है कितना कितना किलोमीटर में पानी है और इंडिया का बोर्ड बूथ में इंडिया का बोर्ड के नीचे कोई पानी है कि नहीं यह मुझे पता है बट मैं इतना बड़ा नहीं हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ूँ और फेडरेशन के अगेंस्ट लड़ूँ और तो लड़ मैं तो साइकिल का अगेंस्ट लड़के मैं जीत जाऊँ मैं नहीं जीत जाऊंगी बट भगवान के सामने सच्चाई के सामने मेरा सच्चा स्पोर्ट्स का सामने मुझे इतना ही इतना ही बोलना है किसी एथलेट के साथ ऐसा नहीं करना क्योंकि अपना झूठ को सच करने के लिए बट ये रियालिटी है उधर में कुछ नहीं था हमारे जो हमारा उसमें कुछ नहीं था ये रियालिटी है कोई बिलीव करो ना करो बट भागा में है इसलिए मुझे पता है तर जो रियो मधल्या बाजार बुडण्यांवर कधी कारवाई होणार ओलंपिक मध्ये जयशा सोबत नेमका असं का घडलं यामध्ये नक्की चूक कोणाची या सगळ्याबद्दल प्रशिक्षक सुनीता गोधळा यांचे काय म्हणणं आहे ये जो एपिसोड हुआ है जैशा के साथ इससे कंफ्यूज ना हो जाएं पहली बात तो किसी भी मैराथन में जो इंटरनेशनल लेवल की होती है उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके हर 2.5 5 किलोमीटर्स पे वाटर और 2.5 किलोमीटर किलोमीटर्स पे स्पंजेस ना हो ये तो मैंडेटरी है वहां पे आई के लोग भी थे और वहां क्योंकि हीट बहुत ज्यादा थी इसलिए ऑर्गेनाइजर्स ने एक्स्ट्रा फोर टेबल्स अलाउ किए थे सभी कंट्रीज को तो या तो ये, जो भी कुछ हुआ है ओपी पी जैसा के साथ ये किसी भी खिलाड़ी के साथ में हो सकता है अगर वो पहले 15 किलोमीटर में वाटर पॉइंट को खुद मिस कर दे जब एथलीट फास्ट दौड़ रहा होता है तो कई बार वो ये गलती करता है और हमारी हिंदुस्तानी लड़कियां बहुत ज्यादा करती हैं ओपी जैसा के साथ जो डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक हुआ है उसमें जब वहां पे हम देख रहे हैं अगर आप फोटो देखिए तो वहां पर एक इंडिया पहना हुआ कोच भी है इसका मतलब वहां पर कोई प्रेजेंट था अपने इंडिया का दूसरा ना तो वहां डॉक्टर को अलाउ करते हैं उनकी अपनी मेडिकल टीम होती है ना तो वो डॉक्टर को अलाउ करते हैं ना किसी दूसरे फेडरेशन वालों को अलाउ करते हैं तो ये रूल है फिनिश पे जो उसको अम, देखिए अगर उसको सही टाइम पे ये ट्रीटमेंट नहीं मिला होता तो आज वो हो सकता है बहुत ही बुरी हालत में होती और कई बार तो डेथ होती है मैं कह रही हूं चौबीस रहा एक पाउल पुढ़े